नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद नई सरकार का गठन हो गया है। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बन चुकी है। इसके साथ ही एक बार फिर बिहार में नई सरकारी नौकरियां आने वाली है। यह नौकरियां शिक्षा विभाग में आने वाली है। नौकरियां देने की प्रक्रिया नए साल में शुरू कर दी जाएगी। दरअसल बिहार में करीब 8000 फिजिकल टीचर्स की भर्ती होनी है। फिजिकल टीचर की यह बहाली मिडिल स्कूलों में भर्ती के लिए किए जाएंगे। वैसे इसकी प्रक्रिया तो पहले से ही चल रही है। फिजिकल टीचर बहाली के लिए शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर राज्य पदवर्ग समिति की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है, लेकिन बिहार में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव की वजह से इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए नहीं भेजा जा सका था। अब चुनाव खत्म हो चुका है और इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद करीब 8000 पदों पर टीचर्स की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद लोकल स्तर पर पंचायत और नगर निकाय के माध्यम से मेरिट लिस्ट बनाकर टीचर्स की बहाली की जाएगी। तो आइए जानते हैं बिहार के मिडिल स्कूलों में फिजिकल टीचर बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने के लिए वही उम्मीदवार योग्य होंगे जो फिजिकल एजुकेशन में डिप्लोमा सहित समकक्ष डिग्रीधारी होंगे या जो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा पास किए होंगे, वे इस पद पर आवेदन कर सकेंगे। तो अगर आप ये योग्यता रखते हैं तो आप इन पदों पर अपना आवेदन कर सकते हैं। इन पदों को भरने के लिए जिलों से पूछा गया था कि कितने पद खाली हैं। उसी के आधार पर बहाली का प्रस्ताव तैयार किया गया है और लगभग 8000 रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी है। 2019 में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से ली गई थी। इस परीक्षा में कुल 6199 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, वहीं कुल 3508 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है, जहां शिक्षा विभाग में करीब 8000 फिजिकल टीचर्स के पदों पर भर्ती प्रक्रिया अगले साल शुरू होने वाली है। जिन अभ्यर्थियों को शिक्षक बनना है उनके लिए यह बहुत ही अच्छी खबर है। उनकी इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। बहुत जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सिर्फ कैबिनेट से मंजूरी मिलने का इंतजार है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मिडिल स्कूलों में फिजिकल टीचर्स की भर्ती के लिए प्रक्रिया बहुत पहले ही चल रही है, लेकिन बीच के महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव के कारण इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी के लिए नहीं भेजा जा सका था। लेकिन अब नई सरकार बन चुकी है और बहुत जल्द बहाली के इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पास कराने के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल यह भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि फिजिकल टीचर्स भर्ती के आलोक में हमारे द्वारा यह दी गई जानकारी आपके काम आएगी। अगर आप भी अभ्यर्थी हैं और आपको इससे जुड़ी और अधिक जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।